हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आज मैं आपको ये पैक बनाना बताऊंगी। ये मैंने ऐसे ही बनाया है। अगर आपको इसको अच्छा मैक्रम से बना सकते हैं, ये मैंने कॉटन यार्न से बनाया है। अगर आपको इसकी और अच्छी फिनिशिंग चाहिए तो आप इसमें लाइनिंग करवा सकते हैं। जहाँ पर हम पर्स सही करते हैं वहाँ पर लाइनिंग और इसमें बेल्ट लग जाएंगी, तो आप वहाँ पर भी इसको तैयार करके और इसमें और फिनिशिंग करवा सकते हैं, ये और अच्छा लगेगा। वैसे तो भी ये नॉर्मल बैग की तरह है, आप इसमें सामान रख सकते हैं, पानी की बोतल रख सकते हैं, और बहुत ही इजी पैटर्न है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबा दीजिएगा, जिससे मेरे आने वाले वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो देखिए, इसके लिए मैंने ये तो मैं यार्न है, लेकिन मैंने कॉटन यार्न से बनाया है। आप मैक्रम से बना सकती हैं, कॉटन यार्न से बना सकती हैं, ठीक है। तो ये 4 प्लाई यार्न है और 3 mm का हुक साइज़ है। वैसे आप कोई भी क्रोशिया कोई भी यार्न ले सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम इसका नीचे का बॉटम बनाएंगे। तो देखिए, इसके लिए क्या करेंगे, चैन 5 बनाएंगे, 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है। अब देखिए, एक स्टिच छोड़ के फर्स्ट वाला छोड़ेंगे और सेकंड वाले में सिंगल स्टिच बनाएंगे, 1, नेक्स्ट वाले में सिंगल स्टिच बनाएंगे, 2, 3, 4। फिर देखिए, चैन 1 बनाएंगे और इस तरफ पलट जाएंगे और देखिए फर्स्ट वाले स्टिच में ही देखिए यहीं पे हमें एक सिंगल स्टिच बनाना है, 1, नेक्स्ट वाले में बनाएंगे 2, 3 और ये 4। ये देखिए लास्ट वाले में, यह फर्स्ट चैन और फर्स्ट सिंगल के स्टिच के बीच में हमें लास्ट वाला स्टिच बनाना है। अब देखिए, यही रो रिपीट करेंगे। जितनी हमें बैग की चौड़ाई चाहिए, हाँ, उस उतने हमें ये जो रो है वो बनानी है। चैन 1 बनाएंगे, इस तरफ पलटेंगे, फर्स्ट वाले स्टिच में एक सिंगल स्टिच बनाएंगे और यहाँ पे देखिए नेक्स्ट वाले हर एक स्टिच में एक एक सिंगल स्टिच बनाएंगे। तो ये हमारे पास 4 स्टिच हैं, तो 4 स्टिच पे ही हम रोज़ बनाते जाएंगे। तो जितना चौड़ा हमें बैग चाहिए उतनी ये आपको रोज़ बनानी है, ठीक है। तो मैंने ये यहाँ पे थोड़ी बना के रखी हुई हैं, ठीक है, अंदाजे से आप बना लीजिए। अब देखिए इसके बाद क्या करना है, मैं बाद में जो मैंने बैग बनाया है उसकी आपको चौड़ाई और वो बता दूंगी कितनी लेंथ और ब्रेथ है उसकी। तो देखिए, अब हम क्या करेंगे, ये हमने इतनी बड़ी पट्टी बना ली है। अब देखिए क्या करेंगे, चैन 1 बनाएंगे। अब ये हमने यहाँ पे रो ख़त्म की है। अब देखिए, ये चैन 1 बनाया हमने और यहीं पे ये देखिए यहाँ पे हमने ये रो ख़त्म की हुई है, ठीक है। तो यहाँ पे चैन 1 बनाएंगे और देखिए फर्स्ट वाला सिंगल स्टिच में एक सिंगल स्टिच बना देंगे यहीं पे। अब हमें इस रो के चारों तरफ एक सिंगल स्टिच की रो बनानी है, ये जो पट्टी है इसकी चारों तरफ एक सिंगल स्टिच यहाँ बनाएंगे, एक सिंगल स्टिच यहाँ बनाएंगे, एक यहाँ बनाएंगे, इस पट्टी को अगर आप ज़्यादा चौड़ी करेंगे तो ये थोड़ा बैग के ऊपर की तरफ दिखने लगेगी, इसलिए आप इसकी चौड़ाई थोड़ी कम ही रखेंगे तो ये ऊपर की तरफ दिखेगी नहीं, नीचे की तरफ ही रहेगी। और फिर आप चाहें तो सिंगल स्टिच की रो ज़्यादा बना सकते हैं इसमें। अब देखिए, ये हर एक स्टिच में एक एक सिंगल स्टिच बनाते हुए मैं कॉर्नर पे आ जाती हूँ। तो ये देखिए, ये हमने चैन 1 बना के यहाँ से सिंगल स्टिच की रो शुरू की थी हमने, ये देखिए यहाँ पे बना ली है। अब देखिए, एक सिंगल स्टिच यहाँ, ये जो 4 स्टिच हैं सब में एक एक बना लेंगे, 1, 2, 3, 4।
अब फिर वापस से देखिए, ये दूसरी तरफ सिंगल स्टिच बनाएंगे। यहाँ पे हमें एक्स्ट्रा स्टिच नहीं बनाने हैं, हर एक स्टिच में एक एक स्टिच बनाना है। अब ये जो दूसरी तरफ की रो है, यहाँ पे एक एक सिंगल स्टिच बनाएंगे। दूसरी साइड है जो देखिए इसकी। अब यहाँ से मैं बनाते हुए फिर जो फर्स्ट कॉर्नर जहाँ से देखिए यहाँ पे आ जाती हूँ। स्टार्ट हमने यहाँ से किया है, यहाँ पे आ जाती हूँ। तो ये देखिए मैंने यहाँ से स्टार्ट किया था, यहाँ से बनाते हुए पूरा राउंड में यहाँ आ गए हैं। देखिए एक सिंगल स्टिच यहाँ, ये चारों स्टिच में बनाएंगे। 1 2 3 थ्री स्टिच में बनाएंगे। फोर्थ वाले में तो हमने बनाया ही था इसमें, तो ये देखिए इसमें हमने फर्स्ट बनाया था, तो इसको यहाँ पे स्लिप स्टिच से इस तरीके से अटैच कर देंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ से हम पैटर्न डालना शुरू करेंगे। चैन 1 बनाएंगे और फर्स्ट वाले स्टिच में ही सिंगल स्टिच बना देंगे। अब यहाँ से 1 2 स्टिच छोड़ेंगे और जो थर्ड वाला है उसमें 5 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4 5 ठीक है, 2 रो का रिपीट पैटर्न है। देखिए 1 2 स्टिच छोड़ेंगे, 1 2 और जो थर्ड वाला है उसमें सिंगल स्टिच बना देंगे। फिर यहाँ से 1 2 स्टिच छोड़ेंगे और थर्ड वाले में 5 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 2 3 4 5 फिर यहाँ से 1 2 स्टिच छोड़ेंगे और थर्ड वाले में सिंगल स्टिच बनाएंगे। तो इसी तरीके से पूरा राउंड में बनाते हुए हम यहाँ पे आ जाएंगे। ठीक है, तो ये देखिए मैंने लास्ट तक बना लिया। और यहाँ पे देखिए ये हमारा 5 डबल क्रोशिया का सेट आया है और यहाँ पे ये सिंगल स्टिच है। अब यहाँ पे मेरे एक ही स्टिच बच रहा है, 2 बच भी नहीं रहे। तो देखिए अगर आपके स्टिच पूरे नहीं हो रहे हैं तो आप दो एक दो स्टिचेस को इस तरफ थोड़ा यहाँ बीच की तरफ एडजस्ट कर लीजिए और फिर आपको यहाँ पे आपका ये 5 डबल क्रोशिया का सेट आना चाहिए। और ये देखिए फर्स्ट चैन और जो फर्स्ट सिंगल स्टिच है इसमें हम इसको स्लिप स्टिच से अटैच कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आपको स्टिचेस एडजस्ट करने पड़ेंगे, परफेक्ट तो नहीं आएंगे। 6 के मल्टीपल का ये वैसे पैटर्न है, तो अगर आप इस रो में परफेक्ट कर सकते हो, क्योंकि 4 स्टिच कॉर्नर के और ये स्टिचेस आप इस हिसाब से बना भी सकते हैं कि जिससे आपको प्रॉब्लम नहीं आए। ठीक है, स्टिचेस काउंट करके बना लीजिए। अब देखिए क्या करना है, सेकेंड रो बनाएंगे। ये हमने यहाँ पे स्लिप स्टिच अटैच किया है, चैन 1 बनाएंगे और यहाँ पे 5 डबल क्रोशिया बनाएंगे। चैन 1 को स्टिच काउंट नहीं कर रहे हैं। 1 2 3 4 5 अब देखिए यहाँ से 1 2 जो स्टिच हैं ये 5 डबल क्रोशिया का सेट है, इसमें जो 2 स्टिच छोड़ेंगे और जो बीच वाला है थर्ड वाला इस पर हम इसको सिंगल स्टिच से बना देंगे यहाँ पे। अब देखिए ये वाला जो सिंगल स्टिच है इसमें आ जाएंगे, यहाँ पे 5 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4 5 अब ये जो 5 डबल क्रोशिया का सेट है इसके बीच वाला जो स्टिच है इसमें सिंगल स्टिच बना देंगे। फर्स्ट रो में ही आपको एडजस्ट करना है, फिर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब ये देखिए सिंगल में है, इसमें 5 डबल क्रोशिया बना देंगे। 1 2 3 4 5 फिर ये जो बीच वाला है बीच वाले स्टिच में सिंगल स्टिच बना देंगे। तो इसी तरीके से बनाते हुए राउंड में यहाँ आ जाती हूँ। तो ये देखिए हम ये जो सेकंड रो है इसके लास्ट में आ गए। ये देखिए यहाँ पे हमने सिंगल स्टिच बनाया। अब देखिए ये जो चैन 1 और फर्स्ट डबल क्रोशिया हमने बनाया था, देखिए यहाँ पे इन दोनों के बीच में यहाँ पे इसको स्लिप स्टिच से अटैच कर देंगे। ठीक है, अब देखिए क्या करना है। ये देखिए रू इसी तरीके से बनेगी, ये वाली हम बता रही हूँ, फिर इसके बाद एक और बताऊँगी, अब सेम उसी तरीके से बनेगी। अब देखिए यहाँ हम ये 5 डबल क्रोशिया के सेट पे हमने इसको स्लिप स्टिच अटैच किया है। तो देखिए
एक स्लिप स्टिच बनाएंगे, एक और स्लिप्स बना स्लिप स्टिच बनाएंगे, जो बीच वाला स्टिच है हमारा उस पर आ जाएंगे, ठीक है, थर्ड वाले स्टिच पे। अब यहाँ से हम पैटर्न स्टार्ट करेंगे, चैन वन बनाएंगे और यहीं पे एक सिंगल स्टिच बनाएंगे। और ये देखिए यहाँ पे जहाँ पे हमने सिंगल स्टिच बनाया था वहाँ पे हम फाइव डबल क्रोशिया बनाएंगे, वन टू थ्री फोर फाइव, ठीक है। फिर देखिए यहाँ से वन टू थ्री जो थर्ड वाला है उस पर हम सिंगल स्टिच बनाएंगे, फिर जो सिंगल स्टिच है इस पर फाइव डबल क्रोशिया बनाएंगे, वन टू थ्री फोर फाइव, फिर यहाँ पे सिंगल स्टिच। तो इसी तरीके से इस रो को बना के भी लास्ट में आ जाती हूँ, एक रो और आपको बता दूँगी। तो ये देखिए हम ये जो पैटर्न डाला इसकी थर्ड वाली रो के लास्ट में आ गए। अब देखिए यहाँ पे हमने सिंगल स्टिच बनाया था, तो अगर आपको प्रॉब्लम आ रही है तो यहाँ पे पहले देखिए स्टिच नहीं दिख रहा तो आप मार्कर लगा लीजिए फर्स्ट वाले स्टिच में ही। तो ये हमारा सिंगल स्टिच है, ये जो फर्स्ट चैन और फर्स्ट सिंगल स्टिच बनाया था इसमें हम इसको स्लिप स्टिच से अटैच कर देंगे। तो देखिए पहले हमने यहाँ पे थ्री स्लिप स्टिच बना के यहाँ से स्टिच शुरू किए थे। अब देखिए ये वाली रो और ये जो सेकंड और ये सॉरी थर्ड और फोर्थ रो में बार बार रिपीट करनी है। चैन थ्री बनाएंगे, वन टू थ्री, यही हम सेकेंड रो में भी हमने सेम इसी तरीके से स्टार्ट किया था, वन टू थ्री फोर फाइव। अब ये जो बीच वाला है इसमें हम इसको ये बीच वाले स्टिच पे सिंगल स्टिच बना देंगे, जो सिंगल स्टिच है इस पे फाइव डबल क्रोशिया बनाएंगे, टू थ्री फोर फाइव। तो इसी तरीके से हम बार बार रो रिपीट करते जाएंगे और ये देखिए इस तरीके से हो जाएगा। आपको थोड़ा सा ध्यान थोड़ा सा टाइम लगेगा, ये भी बीच में फैलेगा, जब आप थोड़ी ज़्यादा रो बनाएंगे तब ये थोड़ा सा सेट होगा, नहीं तो ये बीच वाला हिस्सा तो भी फैलेगा। तो आप पेशेंस रखिएगा और इसी रो इन्हीं रो को रिपीट करते जाइएगा, ठीक है। तो ये देखिए ये मैंने बना के रखा हुआ है, मैंने कॉटन यार्न से बनाया है, ठीक है। तो अगर आपको बाज़ार में आप इसका जो लाइनिंग करवा रही हैं तो बेल्ट भी बाज़ार में लगवा सकती हैं और इसकी लाइनिंग अंदर से बाज़ार में करवा सकती हैं। यहाँ पे मैं इसकी जो हैंडल है वो यार्न से ही बनाऊँगी, मैं कुछ चेंज नहीं करूँगी इसमें। तो पहले हम क्या करेंगे, सिंगल स्टिच की रो बनाएंगे, उसके बाद थोड़ी जब रो बन जाएंगी उसके बाद हम इसमें इसके हैंडल बनाएंगे पकड़ने के लिए। तो ये थोड़े लंबे हैंडल हम इसमें ही अलग से नहीं बनाएंगे, इसमें से ही बनाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमने ये रो बना ली है, जितनी आपको ऊंचाई चाहिए उससे थोड़ा सा कम रख लीजिए, फिर सिंगल स्टिच की रो बनेगी, फिर हम इसकी बेल्ट बनाएंगे तो उससे भी इसकी रो बनेगी। अब देखिए चैन वन बनाएंगे और देखिए अब जो रो बनाएंगे हम सिंगल स्टिच की रो बनाएंगे, ये चैन वन और फर्स्ट वाले स्टिच में ही वन डबल क्रोशिया बनाया। अब देखिए हर एक स्टिच में एक एक सिंगल स्टिच बनाना है, थोड़ा हल्के हाथ से बनाना है, ज़्यादा खींच कर नहीं बनाना है, नहीं तो ये इकट्ठा हो जाएगा, ठीक है। बहुत थोड़े हल्के हाथ से बनाइए, स्टिच बहुत ज़्यादा खींचने नहीं चाहिए। ये देखिए ये फाइव डबल क्रोशिया पे हमने एक एक स्टिच बना लिया, एक सिंगल स्टिच पे स्टिच बनाएंगे, फिर देखिए ये फाइव डबल क्रोशिया पे स्टिच बनाएंगे। आप इसके लिए कोई भी यार्न, कोई भी मैक्रम, मोटा पतला कोई भी ले सकते हैं, बस आपको अपने हिसाब से जितनी इसकी लंबाई चौड़ाई लेनी है उस हिसाब से आप इसको बनाइए, ठीक है। तो इस रो को लास्ट तक बना के मैं यहाँ आ जाती हूँ वापस से, ठीक है। तो ये देखिए ये मैंने बना लिया और जब हमने हल्के हाथ से बनाई है तो ये सिकुड़ा नहीं है, अगर आप थोड़ा टाइट हाथ से बनाएंगे तो ये इकट्ठा हो जाएगा, ये पैटर्न इस तरीके से इकट्ठा हो जाएगा, ठीक है। तो आप थोड़ा सा हल्का हाथ से बनाइएगा।
अब देखिए ये जो फर्स्ट चैन और जो फर्स्ट सिंगल स्टिच बनाया था इन दोनों के बीच में हम इसको स्लिप स्टिच से यहाँ अटैच कर देंगे। ठीक है, चैन वन बनाएंगे और देखिए यहीं पे एक सिंगल स्टिच बनाएंगे फर्स्ट स्पेस में ही, और यहाँ से हर एक स्टिच में एक एक सिंगल स्टिच बनाना है। तो कुछ रो हम बनाएंगे जिसमें हम सिंगल स्टिच की ही रो बनाएंगे। ठीक है, फिर उसके बाद आगे भी सिंगल स्टिच की रो बनाएंगे लेकिन हम इसके हैंडल भी बनाएंगे साथ के साथ। ठीक है, जैसे हमने ये रो स्टार्ट की है वैसे ही आपको और रो स्टार्ट करनी है, तो मैं थोड़ा बना लेती हूँ और उसके बाद फिर आगे कैसे बनाना है ये आपको बताऊँगी। तो ये देखिए मैंने यहाँ पे 6 ये सिंगल स्टिच की रो बना ली है। आप अपने हिसाब से जितनी आपको लंबाई रखनी हो, अब ये कितना आपको रखना है और सिंगल स्टिच की रो कितनी बनानी है ये आप अपने हिसाब से देख सकते। तो देखिए अब ये नेक्स्ट रो मैं बना रही हूँ, चैन वन बनाएंगे, देखिए यहीं पे एक सिंगल स्टिच बनाएंगे और यहाँ से देखिए मैंने मार्क कर रखा है यहाँ पे बराबर आमने सामने, मैंने यहाँ पे 4 ये स्टिच मार्कर लगा रखे हैं। तो ये स्पेस तो हम छोड़ेंगे और यहाँ से बेल्ट बनेगी, तो बराबर दूरी पे होने चाहिए, आमने सामने होने चाहिए। ठीक है, तो जितनी दूरी पे आपको बेल्ट बनानी है, जितनी बीच में बेल्ट के बीच में दूरी रखनी है उस हिसाब से आप यहाँ पे स्टिच मार्क कर लीजिए। तो मैंने एक आगे लगाया हुआ है स्टिच, मुझे जितने स्टिच रखने थे उससे एक आगे लगाया हुआ है, एक नंबर आगे। ठीक है, यहाँ तक हमने स्टिच बना लिए। अब आपको बेल्ट जितनी लंबी रखनी है यहाँ से बनाएंगे और यहाँ पे जोड़ेंगे वापस नेक्स्ट स्टिच यहाँ से बनाना शुरू करेंगे। तो जितनी बेल्ट की लंबाई रखनी है आपको उतनी चेंस बना लेनी है। ठीक है, 2, 3, 4, 5, अगर आपको छोटा हैंडल रखना है तो आप कम चैन बना लीजिए, बड़ी लंबी रखनी है तो ज़्यादा चैन बना लीजिए, लेकिन काउंट कर लीजिए जिसे दूसरी तरफ भी हम उतनी ही बनाएंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 मैं बना लेती हूँ। तो ये देखिए मैंने यहाँ पे ये 100 चैन्स बनाई हैं। ठीक है, मैं लंबा बना रही हूँ, यहाँ भी मैंने एक मार्कर आगे लगा रखा है स्टिच मार्कर। अब ये देखिए नेक्स्ट वाले में यहाँ से हम फिर से सिंगल स्टिच बनाएंगे हर एक स्टिच में और यहाँ तक आ जाएंगे, ये वाला जो मार्क लग कर रखा हमने जस्ट सामने। ठीक है, तो मैं वहाँ पे आ जाती हूँ। तो ये देखिए मैंने यहाँ से लेके यहाँ तक सिंगल स्टिच की रो बना ली है। अब 100 चैन हमने यहाँ बनाई है इस बेल्ट के लिए, तो 100 चैन ही हम इस बेल्ट के लिए बनाएंगे। तो यहाँ पे हम बना लेते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 मैं बना लेती हूँ। तो ये देखिए यहाँ भी 100 चैन्स मैंने बना ली हैं। अब ये देखिए ये जो फोर्थ वाला स्टिच मार्कर है इसके ये जस्ट बाद मैंने यहाँ पे सिंगल स्टिच की रो बनाएंगे और यहाँ से लेके यहाँ तक हम जहाँ से हमने स्टार्ट किया था यहाँ पे हर एक स्टिच में एक एक सिंगल स्टिच बनाते हुए यहाँ आ जाऊँगी। यहाँ आ जाएंगे, तो ये देखिए लास्ट तक हमने बना लिया है। अब इसको यहाँ पे स्लिप स्टिच से जोड़ देंगे फर्स्ट चैन और फर्स्ट वाले सिंगल स्टिच के बीच में। चैन वन बनाएंगे, यहीं पे एक सिंगल स्टिच बनाएंगे और यहाँ से हर एक स्टिच में एक एक स्टिच बना लेंगे जहाँ से हमने यहाँ पे चैन बनाई थी यहाँ तक। तो ये देखिए यहाँ तक मैंने बना ली। अब देखिए ये जो चैन हमने बनाई थी इन पर सिंगल स्टिच की रो बनाएंगे। अब बाद में हम जो बनाएंगे फर्स्ट रो है चैन के बाद, इसके बाद हमें इसके इसी तरीके से रो बनानी है आगे की, जिससे हमारी बेल्ट चौड़ी हो जाएगी और थोड़ा सा ऊपर बैग की भी ऊपर ऊंचाई बढ़ जाएगी। तो
ये हर एक चैन में एक एक सिंगल स्टिच बनाते हुए यहाँ आ जाती हूँ मैं इस कॉर्नर पे। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ से मैंने सिंगल स्टिच की रो बनानी शुरू करी थी, हम यहाँ पे आ गए हैं। अब देखिए ये लास्ट तक मैंने यहाँ बना लिया, अब ये वाला जो स्टिच है ये देखिए यहाँ तक बना लिया। अब यहाँ से फिर हर एक स्टिच में एक एक सिंगल स्टिच बनाते हुए दूसरी जो चैन हमने बनाई थी स्टार्ट की थी वहाँ तक आ जाएंगे बनाते हुए। ठीक है, तो ये देखिए ये दूसरी तरफ चेन बनाई थी हमने वहाँ आ गए हैं। यहाँ एक सिंगल स्टिच बनाएंगे और फिर यहाँ से हर एक स्टिच में एक एक सिंगल स्टिच बनाते हुए जहाँ से हमने रो स्टार्ट की थी वहीं पे आ जाएंगे। ठीक है, ये चेन्स में एक एक सिंगल स्टिच बनाएंगे। इस तरीके से और यहाँ पे आ जाएंगे जहाँ से हमने ये रो स्टार्ट की थी यहाँ पे। अब देखिए आगे की जो हम रो बनाएंगे ये बेल्ट के ऊपर से होते, देखिए यहाँ से बनाएंगे और ये बेल्ट पे से होते हुए पूरे में जैसे हमने ये वाली रो बनाई है वैसे ही बनाएंगे। तो ये हमें जितनी चौड़ी हमें बेल्ट बनानी है उस हिसाब से आप ये रो बना सकते हैं। तो पूरा राउंड में आपको बेल्ट पे से होते हुए ये बेल्ट रो बनानी है, 3, 4, 5 जितना आप चौड़ी बेल्ट बनाना चाहें उतना ही बना लीजिए। ठीक है, देखिए एक बार मैं आपको यहाँ आके बता देती हूँ। देखिए इसी तरीके से आगे की रो भी बनेंगी, ज़्यादा रो बनाएंगे तो थोड़ी बेल्ट मजबूत हो जाएगी, इससे आप इसमें कुछ रखेंगे तो खिंचेगी नहीं ज़्यादा। तो ये देखिए यहाँ से होते हुए ये और बेल्ट पे से होते हुए पूरा राउंड में बना लेंगे। ठीक है, तो मैं 3, 4 जितनी रो बनानी है बना लेती हूँ, फिर आपको बताऊँगी मैंने कितनी रो बनाई है। तो देखिए मैंने यहाँ पे ये 1, 2, 3, 4 रोज़ बनाई हैं, चैन्स बनाई थी उसके बाद 4 रोज़ बनाई हैं। और ये देखिए हमारी बेल्ट हो गई है। अब देखिए ये जो धागा है एक्स्ट्रा वाला इसको हम यहाँ स्टिचेस में डाल देंगे। यहाँ से आप सुई में डाल के, ये थोड़ा क्रोशे में नहीं आएगा क्योंकि ये टाइट है, तो मैं सुई में डाल के डालूँगी इसको। तो ये देखिए ये स्टिचेस में हम डाल देंगे इनको, कॉटन यार्न है तो यहाँ पे सुई भी नहीं आ रही पतली, देखिए इस तरीके से। तो ये देखिए ये स्टिचेस में डाल के और इस तरीके से ये जो एक्स्ट्रा धागा है हमने इसको यहाँ निकाल दिया और बाकी का जो है इसको धागे को काट दीजिए, तो ये यहाँ पे फिनिशिंग आ जाएगी और यहाँ पे ये धागा दिखेगा भी नहीं। अब देखिए इसमें मैं लाइनिंग लगाना आपको बताऊँगी, ये तो मैं घर पे लगा रहे हैं। अगर आप बड़ा बैग बनाए अपने घर पे लगा रहे हैं तो घर पे इस तरीके से लगा सकते हैं, और वैसे आप चाहें तो मार्केट में इसकी लाइनिंग करवा सकते हैं पर्स की, उसमें बेल्ट भी लग जाएंगी और अंदर जाइए आपको जो इसकी पॉकेट चाहिए जितनी पॉकेट चाहिए चैन लग जाएगी इसमें। तो देखिए इसके लिए मैंने क्या किया है, ये पर्स के बराबर का कपड़ा काट के मैंने इसके इससे, देखिए इससे थोड़ा सा छोटा है इसके बराबर यहाँ पे आ रहा है, इसको काट के मैंने चारों तरफ से इसको यहाँ से सिल लिया है इसको। ठीक है, और यहाँ पे भी मैंने ये मोड़ ली है इसकी जो लाइनिंग है, ये देखिए ये बॉर्डर है जो इसका लास्ट वाली रो, ये हमने मोड़ लिया और ये तीन तरफ से सिल लिया। अब देखिए इसको पर्स के अंदर इस तरीके से डालेंगे, उल्टी तरफ से ही अंदर की तरफ डालेंगे।
देखिए बराबर में इसको रखते हुए बराबर हमें चाहिए, देख लीजिएगा आप नाप के ही काटिएगा। अब ये वाली हैंडल से नीचे वाली हिस्से यहाँ से हम इसको जोड़ेंगे ये, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसको इस तरीके से अटैच कर लेंगे पहले, आप चाहें तो इसमें एक पॉकेट भी लगा सकते हैं घर पे ही। इसको बराबर में पूरे में यहाँ पे मैं इस तरीके से अटैच कर लूँगी, फिर इसके बाद हम इसको सिलेंगे। तो ये देखिए मैंने इसको बराबर में यहाँ पे पूरे में पिन लगा ली है जिससे ये यहाँ पे फिक्स हो जाए। अब देखिए हमें सिलना किस तरीके से, ये देखिए ये, और यहाँ पर ये देखिए यहाँ पर हल्का सा टाँका लगाएंगे और इसको पीछे की तरफ ले लेंगे ये, और फिर देखिए यहाँ से इस तरीके से, जिससे ये सिलाई अंदर की तरफ से हो जाएगी, बाहर की तरफ से नहीं करनी है हमें, अंदर की तरफ से करनी है। ये देखिए इस तरीके से बारीक बारीक पास पास लगाएंगे जैसे ये अच्छे से पूरा फिक्स हो जाएगा। देखिए ये यहाँ पे सिल गया, यहाँ से हम इसको ये निकाल दें, ये इस तरीके से अंदर की तरफ पूरा सिल जाएगा। इसको मैं पूरा सिल लेती हूँ फिर उसके बाद आपको पूरा दिखाऊंगी कि बन के कैसा लग रहा है। तो देखिए ये मैंने पूरा बना लिया है, और ये देखिए ये इसके नीचे से शेप, और ये देखिए पैटर्न कितना सुंदर है, और इसमें ज़्यादा स्पेस भी नहीं है पैटर्न में, और ये इसकी बेल्ट है ये देखिए, और ये हमने जो लाइनिंग लगाई है देखिए इसमें कितनी सफाई आई है लाइनिंग में। यहाँ पे पहले ही मैंने इसको एक लाइन इसकी सिलाई कर ली थी जिससे जब हम इसको सिलें तो इसमें प्रॉब्लम नहीं आए, आराम से सिल जाए। तो पहले ही एक यहाँ पे मैंने सिलाई लगा ली थी, उसके बाद इसको यहाँ पे सिला है ये देखिए। तो फ्रेंड्स अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और अगर आपकी कोई क्वेरी हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।